आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। और कारगिल युद्ध हुआ क्यों था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस सन 1999 में पाकिस्तान ने एक योजना बनाई थी कि लद्दाख और कश्मीर में जो संबंध बना हुआ है वो तोड़ दिया जाए और जो भारत की सीमा है वहाँ पे ना तनाव पैदा किया जाए। इस उद्देश्य से उसने 5,000 सैनिकों के साथ कारगिल और उसके आसपास के एरिया पे कब्जा कर लिया था। बहुत मुश्किल की बात ये थी कि वो लोग पहाड़ की ऊंचाइयों पर थे, मतलब जो ऊंचाइयां होती वहां पे थे सारे 5,000 सैनिक, और जो हमारे सैनिक थे वो ढलान पे थे। तो उन लोगों का पाकिस्तान के सैनिकों का हमला करना बहुत आसान था और भारत के सैनिक यानी कि हमारे सैनिकों का उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। फिर भी ये युद्ध हमारे सैनिकों ने लड़ा और ये युद्ध 2 महीने से ज़्यादा जो है लड़ा गया था, 2 महीने ज़्यादा लड़ा गया था और उसमें हमारे लगभग 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और 1,300 से ज़्यादा सैनिक जो है हमारे घायल हो गए थे। और इस ऑपरेशन का जो कारगिल युद्ध था इस ऑपरेशन का नाम विजय ऑपरेशन रखा गया था। और इस युद्ध में भी हमारी जो वायुसेना थी उसने बहुत ही अहम रोल निभाया था। वायुसेना ने अपना जो नाम रखा था उसका नाम था सफ़ेद सागर, जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के सैनिकों को जो भगाया था। 3 मई 1999 से ये जो युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई तक ये खत्म हो चुका था। तो उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने घोषणा की थी कि जो कारगिल में जो लोग जो जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में हम लोग हर साल कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज भी कई लोग जन्मदिन मना रहे होंगे, पार्टी मना रहे होंगे, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए आप हमारे जवानों के लिए मौन धारण करें और उनको श्रद्धांजलि दें। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम इतनी शांति पे जिंदगी जी रहे हैं, हम जो इतना अच्छा हम जो डेली जो जिंदगी जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर का काम, लेडीज तो घर का काम कर रही है, इतनी शांति से हम लोग सो पाते हैं, काम कर पाते हैं, सड़कों पे चल पाते हैं, बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, वो सब हमारे शहीदों के खून खून की बलिदान की वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। अगर अगर बॉर्डर पे हमारे जवान ना लड़े तो हमारी जो जिंदगी चल रही है, हम जो देश के अंदर रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बद से बदतर भी हो जाए। आप बाकी के देशों को देख सकते हैं, अभी श्रीलंका कितना माहौल खराब हो रखा है वहाँ पे जो खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें इतनी महंगी मिल रही हैं, लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ दवाई लेने के लिए, खाने लेने के लिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो कि हमारा जन्म भारत में हुआ है और जो हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो सरकार है, हमारे जो सैनिक हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, हमारे लिए जो सरकार है वो नए नए नियम बनाती रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, तो उन सबको हमें धन्यवाद करना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बलिदानी तो उन जवानों की जो बीवियां होती हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं, सबसे बड़ी बलिदान तो वो देते हैं जो बॉर्डर पर अपने बच्चों को भेजते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये जानते हुए भी कि उनके बेटे को, उनके पति का कुछ नहीं पता कब क्या कुछ हो जाए, फिर भी वो लोग भेजते हैं। उनकी हिम्मत को बहुत बड़ी, मतलब बहुत बहुत उन लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, धन्यवाद।